ਤਹਿਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗੇ ਬਾਂਧ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸੇ ਲੜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾ ਦੇਣ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸੀ ਛੱਡੀਏ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ 7 ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਅਰਫਾਜ਼ ਅਮਡੈਂਗ। ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨਕੋ ਮਨੋਜ ਪੈਂਥਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਬਿਲਾਵਰ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਗੁਜਰੂ ਨਗਰੋਟਾ ਸੇ। ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਇਨਸੇ। ਸਰ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਆਪਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਆਪ ਮਾਨੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ, तो पैंथर पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिला है, तो क्या कुछ उम्मीदें लेके जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्या कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे, किस चीज़ की कमी है जो आप वहाँ पे सुधारना चाहते हैं? शुक्रिया अरफा साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगा। हर बार जब भी कोई हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, आपका जो चैनल है हमें सपोर्ट कर देता है, चाहे वो हमारा रेलवे स्टेशन का मसला हो, भोपाल मंडल का मसला हो, या चाहे कोई भी हो। और आज जो खासकर जो इलेक्शन आ रही है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, और जैसे आपको पता है पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदेव सिंह जी ने नगरोटा गुजर ब्लॉक से मेरे को वहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया है, और उनके साथ में जो खून ब्लॉक है उनकी धरपंदी श्री मंजू सिंह जी लड़ रही हैं, तो एक बहुत एक सोने पे सुहागे वाली बात लोगों के लिए। बाकी रही इलेक्शन की बात, तो सर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन, पहली बात तो पार्टी बेस नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? जैसे एक सरपंच जीतता है, आठ पंच होते हैं, एक सरपंच होता है वो अपने वार्ड वाइज डेवलपमेंट करते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, एक बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बना दिया, उसको पंच सरपंच वोट डालेंगे, वो भी बने। लेकिन डेढ़ साल हो गया, आज तक उनको कोई हमने देखा नहीं, उनका कोई उन्होंने कोई आगे चेयरमैन के वाइस चेयरमैन सेक्रेटरी कोई टीम नहीं बनाई उन्होंने। अब जहाँ तक ये इलेक्शन का सवाल है, जो नगरोटा ब्लॉक है उसमें मेरे ब्लॉक में 17 पंचायतें आती हैं जी, हर पंचायत में 9 वार्ड हैं, हर वार्ड में 4 मोहल्ले हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, और ख़ासकर ये जो इलेक्शन में जो लोग खड़े हो रहे हैं, एक बड़ा एक अजीबोगरीब वहाँ पे ट्रेंड बन गया है। पैंथर्स पार्टी लड़ाई हमेशा जनता के हक के लिए रही है, उनके इंसाफ के लिए रही है, उनके साथ जो नानसाफ़ी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमेशा पैंथर पार्टी का एक सिपाही से लेकर हमारे चेयरमैन तक, प्रोफेसर तक, हमने लड़ाई रोड पर लड़ी है, कोर्ट में लड़ी है। लेकिन आज मैं ये DDC इलेक्शन है, इन्होंने जो पिछली सरकार रही है, इन्होंने सतह पे कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, रोड बने होंगे, प्लान बने होंगे, लेकिन आप जहाँ देखिए, आज जो सरपंच जीता है वो कहता है मुझे BDDC इलेक्शन लड़नी है, जो सरपंच पिछला हारा है वो कहता है मुझे इलेक्शन लड़नी है, बिल्कुल, जो BDC चेयरमैन जीता है कहता है मुझे इलेक्शन लड़नी है, जो BDC चेयरमैन हारा है कहता है मुझे DDC इलेक्शन लड़नी है। मुझे समझ नहीं आ रही है आप लोगों की लड़ाई किस चीज़ की है। और ख़ासकर ये जो 9 महीने की बात करूँगा मैं, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, खासकर जो मीडियम तबका जो रोज़ दिहाड़ी लगाता था, आज बेरोज़गार घर में बैठा है। ऊपर से आपने जो विद इन 6 मंथ 8 मंथ के अंदर जो आपने नए नए कानून थोप दिए हैं, पहले आपने लोगों को डोमिसाइल की लाइन में लगाया, कोई बेचारा दिल्ली मजदूरी करने गया था अभी बेचारा 6 महीने घर बैठ के, कोई जम्मू दिहाड़ी लगा रहा है, आपको पता है यहाँ से 145 रुपये किराया लगता है मेरे थड़क लाल जाने तक, बिल्कुल, वो पहले मजदूरी छोड़ के जाएगा यहाँ पे, आगे काम नहीं है, सैलरियाँ मिल नहीं रही हैं, फिर वहाँ पे तहसील के चक्कर काटेगा, फिर बच्चों के सर्टिफिकेट बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, फिर उन्होंने दूसरा थोप दिया उस पर जातिवाद सर्टिफिकेट, अगर आप दलित हैं तो आपका दलित का कार्ड बनाओ, अगर आप लोहार हैं तो लोहार का जाति कार्ड बनाओ, अगर आप कोई है OBC अदर तरखान है उसका कार्ड बनाओ, फिर लोगों को उन्होंने लाइन में लगा दिया। अब इन्होंने नया सिस्टम ये बना दिया कि जो BJP में है वो देशभक्त है, जो BJP में नहीं है वो देशभक्त नहीं। अब वहाँ पे जहाँ मेरे ब्लॉक में आप सुनना होगा मीडिया में बड़ी टक्कर चल रही है, 4-4 5-5 कैंडिडेट BJP के, 5-5 कैंडिडेट कांग्रेस के, बिल्कुल, और हमारी पार्टी में ये चल रही है कि हमें वो नौजवान लोग उतारने हैं मैदान में, जो लोगों के घर घर तक जाएं, उनकी आवाज़ सुने। यहाँ जो BD चेयरमैन बने हैं वो क्या करते हैं, अच्छा जी आज ग्राम सेवक साहब आ रहे हैं तो मैं जल्दी जाना है,
भाई आप बीडी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बनाया है, आपके अंदर 17 पंचायतों के 500 सरपंचों ने वोट डाले हैं, आपको उल्टा उनसे काम लेना है। आपको सिर्फ जी हुजूरी आती है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन है, खासकर जो मेरी एक जाति राय है, हमारी किसी बीजेपी वाले से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी कांग्रेस वाले से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पंच सरपंच से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई लोगों के लिए है, उनके हक इंसाफ के लिए है। और मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, इतनी जिम्मेवारी दी कि मनोज 14 साल से चाहे रोड के मसले हो चाहे कोई मसले हो, मनोज वहाँ लड़ाई लड़ रहा है। मैंने आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये जो सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, रामकोट से लेके बिलावर तक जो 75 रनों खाली कराया, 10,000 नौजवान बेरोजगार हुआ। उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस अकेले तो मनोज था जिसने लोगों को इकट्ठा किया, और हमने एक मेमोरेंडम दिया डीसी साहब को कि जैसे जम्मू में रेडी जोन बनाए जा रहे हैं, इन लोगों के लिए हर पंचायत भाई स्टेट लैंड आइडेंटिफाई की जाए, 5 कनाल 10 कनाल, और सबको मेरे जो भाई वहाँ पर मजदूरी करते हैं, खोखा लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाए। जो पंचायत के अंदर आएगा, पंचायत उनसे लाइसेंस की फ़ीस लेगी, ताकि वो आराम से अपना वहाँ पे रोज़गार कर सके, बिना किसी डर के, बिना सरकार के चोरी के। ये हमारे सबसे पहला हमारा ये मुद्दा होगा जी। अगर हम कौंसल बन के कठुआ पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हम एक और कानून बनाना चाहेंगे, जैसे सरकार नए नए कानून लागू करती है, डोमेसाइल आ गया, जातिवाद सेटर लगा दिया, इस तरह के जैसे भी आते हैं, मेरे गरीब लोग क्यों परेशान हों? वो क्यों दर दर की ठोकरें खाएं, काम छोड़ के तहसील के दफ्तर, उसके दफ्तर? नहीं, ये हमारा प्रशासन का काम बनता है। अगर आपने कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया है, आप इम्प्लीमेंट करना है, तो आपकी टीम जाएगी। जैसे आप सेंसस करने जाते हैं, घर घर जाते हैं, बिजली का बिल आपका घर जाता है, पानी का नल घर में आता है, उसका बिल घर में आता है, वोट लेने आप घर घर जाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है। और मनोज वहाँ पर जीतेगा तो लोगों के लिए ये भी सहूलियत होगी, कोई भी सरकार निकालेगी तो, लेकिन जो हमारा ब्लॉक होगा, जो हमारा बिलावर कॉन्स्टिट्यूशन होगी, डिपार्टमेंट की तरफ से घर जाएगा, घर पर आपको ये चीज़ें बना के देंगे। ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मनोज जी, जिस तरह से ये जो सियासी लोग जो पहले से मतलब सरपंचेज हैं या एक्स सरपंचेज हैं, हारे हुए हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्या वो अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं या उस एरिया की डेवलपमेंट करना चाहते हैं? देखिए सर, मैं इस बारे में उनकी जाति क्या उनकी लड़ाई वो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हमारे वहाँ में क्या एक राजनीति है, मेरी आपसे नहीं बनती है। अगर ये आपके दोस्त हैं तो मैं इनसे भी मेरी 36 का आंकड़ा होता है। वहाँ जो मेरे भाई खड़े हो रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन है, लोगों के हक इंसाफ के लिए कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो उनकी जो रोज के जो तहसील के मसले होते हैं, पटवार खाने के मसले होते हैं, हॉस्पिटल के मसले होते हैं, एडीसी ऑफिस मसले होते हैं, वीडियो ब्लॉक में होते हैं, कोई फाइल कठुआ में रुकी है, कोई एनिमल हस्बेंड्री में रुकी है, वो वहाँ पर जाके काम करे। ये हेलीकॉप्टर से उतरते हैं या आपस में ये रंजिश होती है, इसने मुझे सरपंच हराया था, मैंने इसको हराना है। मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ आपके मतलब, ये आपस की लड़ाई छोड़ो, ये जो लड़ाई है लोगों की लड़ाई है, और लोगों के साथ नानसाफी नहीं होने दो। अगर जीता बीजेपी वाला तो उसने बीजेपी का काम करना है, ये कांग्रेस का काम नहीं करना है। जीता तो कांग्रेस वाला कांग्रेस का काम करना है, उसका नहीं काम करना है। पैंथर पार्टी ने हमेशा एक नज़र से सबको देखा। मनोज ने जब वहाँ पर पानी के लिए मारे खाई, तो मैंने ये नहीं बोला कि पैंथर वाले के लिए मार खा रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी के लिए खा रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कभी अगर रोड का मसला है तो मैंने ये नहीं बोला कि ये रोड मैंने खाली राजपूतों को चलने के लिए देना है या ब्राह्मण नहीं चलेगा, हमने ऐसा कभी नहीं किया। एक आदमी बोल के दिखा दे। पैंथर पार्टी ने हमेशा बिलावर में मनोज ने जो काम किया है नोटा ब्लॉक में, एक नज़र से पूरा इंसाफ करके काम किया है। और रही हिंदू मुस्लिम बात, और हमने वहाँ पर इतना बैलेंस बना के रखा है पैंथर पार्टी ने, इन्होंने तो वो भी बेड़ा गर्क किया है बीजेपी वालों ने, हिंदू मुसलमान किया हुआ वहाँ पर जी। जो मुसलमान है ये कांग्रेस का बंदा है, जो जिसने मूछें रखी है ये बंदा भीम सिंह का है, जिसने जाली वाली टोपी रखी है ये फरूदुल्ले का है, जिसने दाढ़ी रखी है महबूबा मुफ्ती का है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आपके गांव में आपका उमरुद्दोला भी मैं हूँ, आपका मुफ्ती भी मैं हूँ, और आपका भीम सिंह भी मैं हूँ। लीडर वो होता है जो सबके काम करे, बिल्कुल, जो सबको एक नज़र से देखे। मैं मंदिर में सफेदी कराता हूँ, मेरा मन करता है मस्जिद में भी कराऊँ, लेकिन इन्होंने ऐसा हमारे बीच में दीवार खड़ी कर दी है, हिंदू मुसलमान की, राजपूत ब्राह्मण की, बीजेपी कांग्रेस की, इतने चाइना की दीवार भी इसके आगे छोटी पड़ जाती है। ये मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूँ, आपस में भाईचारा बनाना है। और एक मौका मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, नोटा ब्लॉक के, एक बार पैंथर पार्टी को मौका दो, अपने मनोज को मौका दो, फिर देखो जैसे हर्षदेव सिंह जी ने जब शिक्षा मंत्री थे
जो नौकरी के उन्होंने रोजगार लाए, 45 दिन में ऑर्डर घर पे आया किसी भी टीचर को। डॉक्टर स्कूल एजुकेशन के चक्कर नहीं काटने पड़े, ऑर्डर उसके घर पे आया। ऐसे ही आपका जो हक है, जो आपकी छोटे छोटे जो रोजमर्रा के मसले हैं आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मनोज जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम जनता को, और जो आपके ब्लॉक के लोग जो काफ़ी सारे बाहर भी होंगे उनके लिए भी क्या मैसेज रहेगा आपका? जितने मेरे नगरोटा ब्लॉक के या बिलावर के या जो जहाँ भी हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक योजना बनाई होगी, मेरे हिसाब से एक लोगों के हक के लिए एक ऐसा नुमाइंदा तैयार करना है उन्होंने, ताकि वो उनके डोर टू डोर उनके मसले हल करें, उनकी सुनवाई सरकार तक पहुंचे, सरकार उनके लिए कोई स्कीम बनाए। और मैं जो मेरे साथी यहाँ रह रहे हैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में आप जोर शोर से हिस्सा लो, और ये आपने ये इस बार जो इलेक्शन है कैंडिडेट को देख के इलेक्शन है, कोई पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं है। मैं माध्यम से कहना और लोगों से कहना चाहता हूँ, एक मौका आप पैंथर पार्टी को दो। आपके बगल में रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, देखो कैसे सड़कें हैं, वहाँ पे लोग गाने गाते हैं, जिथे जंदे नहीं कोड़े थे जान गड्डियाँ, क्यों साड़ा काम बोलता, क्योंकि पैंथर पार्टी कमे दे पार्टी है, चमे दी पार्टी नहीं है। सड़कों लम्मी लम्मे नोट नहीं, अस तुसें गी शराबा नहीं दे सकते, जेडे लोग इन्हें तुसें बेवकूफ़ बनांदे, एक दिन असें अस तुसें आटा चोली बंडे सकदे। हाँ, तुहाड़े कम्मे आस्ते मनोज इक राती भी सोग, जे तुसें लगदा जिसन कि एक कम नहीं करा दा, और नया इस कॉन्स्टिट्यूशन आई दा एक नवा, मैं तुसें आखना चाहना कि अगर कोई सरपंच पंच कोई कॉरपोरेटर कम नहीं करता, एक रेजोल्यूशन पाई उसी थले उतार दे, नवा बनाओ, ये नया ऐसा कानून बना। इस वास्ते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ जो भाई रह रहे हैं, अब इस इलेक्शन में एक मौका अपने मनोज को दो, अपने पैंथर पार्टी को दो, लोकल पार्टी है उनको दो, ताकि हम आपकी लड़ाई कठुआ जाके लड़ सकें। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मनोज गुप्ता जी, जो कि जिनको मनोज पैंथर के नाम से जाना जाता है, और DDC इलेक्शन में जो है ये पैंथर पार्टी के उम्मीदवार हैं, नगरोटा, कौन सा नगरोटा है, नगरोटा।